15 अप्रैल तक बड़ी गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की कस्टडी रिमांड, गोरखपुर कोर्ट में हुई मुर्तजा की पेशी। मुर्तजा के पिता ने एटीएस के सामने किया बड़ा दावा, मुंबई में पढ़ाई के दौरान रैंगिंग का आरोप लगाया। आईआईटी में पढ़ाई के समय रैंगिंग का दावा किया, मुर्तजा के मन में तब आई थी जुल्म और प्रताड़ना की भावना। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात, दोबारा सीएम की शपथ लेने के बाद पहला दौरा। सीएम योगी को संसदीय बोर्ड का सदस्य बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा संसदीय बोर्ड में चार पद अभी खाली हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन के बाद नियुक्ति नहीं हुई है। दिल्ली में यूपी भाजपा को लेकर आज बड़ी बैठक, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद, नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो सकती है चर्चा, आगे की कार्य योजना और प्राथमिकता पर मंथन। यूपी गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल हैक हुआ, कुछ दिन पहले सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल हैक किया गया था, हैकर्स ने यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल फोटो भी बदली। अखिलेश यादव के खिलाफ रामपुर में भी बगावत, आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान ने लगाए गंभीर आरोप, कहा अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से आए बाहर। भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का सपा पर तंज, ट्वीट कर कहा सपा के सिद्धांत तानाशाही और परिवारवादी, वो आंतरिक लोकतंत्र से परे, इसलिए उनके नेता के खिलाफ सुनाई दे रहे हैं विद्रोह के स्वर। देहरादून में सहकारिता विभाग भर्ती घोटाले मामले को लेकर हंगामा जारी है, कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, सचिवालय गेट के सामने धरने पर बैठे कांग्रेसी, धन सिंह रावत से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस में फेरबदल के बाद उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज, सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह, कांग्रेस में प्रीतम सिंह को नहीं मिली कोई बड़ी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में साल भर के अंदर 6000 शिक्षक किए जाएंगे नियुक्त, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 6000 से ज्यादा पद खाली हैं, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए खाली पद भरने के निर्देश। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की कमान मिलने के बाद करण माहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से मुलाकात की, रविवार को कांग्रेस हाईकमान ने करण माहरा को दी है प्रदेश अध्यक्ष की कमान। देहरादून में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का एकादश अधिवेशन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिवेशन में शिरकत की। भाजपा विधायक विनोद सिंह ने सुल्तानपुर का नाम बदलने को लेकर सीएम योगी को एक पत्र लिखा, सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुशभवनपुर करने की मांग की गई।